हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम जा रहे हैं आज गांव में, जा क्या रहे हैं, पहुंच ही चुके हैं और आपको अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि हम आज गांव में जा रहे हैं और बाकी बातें आपसे करेंगे वहीं पर जाकर। तो हम पहुंच चुके थे यहाँ पर घर और मैं दूध को गर्म कर रही थी। हम दूध लेके गए थे यहीं से, जगाधरी से ही, और कान्हा जी के भोग के लिए हम लेकर गए थे जलेबी। आप क्या कर रहे हो? क्यों तो फिर क्या हुआ अगर जनवरी वाला लगा हुआ था तो मतलब हम फरवरी में आज ही आए हैं, इससे पहले नहीं आए थे? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुजर फैमिली व्लॉग्स। और आज दिन है संडे और हम दोनों रेडी हैं। ये देखिए मैं और पीहू की न्यू जैकेट, जरूर बताइएगा कैसी लग रही है। इसमें टू पॉकेट्स है, एक ये है एक ये है, और इसकी कैप भी है। इसकी ना ये जैकेट मैंने 2 ईयर्स बिफोर ली थी और ये ना इतनी बड़ी थी इसको कि मैंने इसको पहनाई नहीं, और इस साल आगे इसको पूरी आई है। और मतलब जो ज़्यादा सर्दियाँ थी उनमें ये नहीं डाल पाई क्योंकि ये गांव में रखी हुई थी और वहाँ पर थे। तो फिर चलिए अब डाल लेगी, नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगी ठीक। अभी भी स्लीव्स तो थोड़ी सी लंबी हैं तो चलो मैंने डाल दी है, लेकिन आज से इसका शुरुआत कर दी है डालने की जैकेट की। शायद एक बार पहले भी डाली थी, नहीं। चलो और अब हम जा रहे हैं मार्केट, और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है पीहू बताएगी। शीतल दी, खुशी दी और मंजु दाई जी। तो ठीक है हम चलते हैं। पहुंच चुके थे बिग बाजार में और हमने कार पार्क की थी अपनी यहाँ पार्किंग में, और ऊपर जा रहे थे अभी पेंटालूंस में। और ये स्टेयर्स ना हमेशा ही बंद रहती हैं, शीतल कह रही थी कि ये बंद होती हैं हमेशा, कभी भी नहीं चलाते हैं, और आज उन्होंने तभी चला दी थी और फिर वो इसके उस पे से नीचे भी नहीं आई, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो आई ही नहीं, वो और उसकी ताई जी दोनों ही चले गए थे। और हम यहाँ जा रहे थे पेंटालूंस, और आज ना हमें मतलब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, संडे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मॉल में इतनी ज़्यादा रश नहीं था, बहुत ठीक था, मतलब एवरेज सी भीड़ थी जितनी होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए, कम ही थी बल्कि। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मॉल में। देखिए मैं, खुशी और पीहू नीचे आ गए थे और मैं कह वो डर रहे हैं चलो उनकी मूवी बनाते हैं, वो एकदम से पीछे हो गए और फिर वो ना पूरा चक्कर काट के बाहर से आए दोबारा से, और पता नहीं क्यों इतना डर क्यों लग रहा था, वो कभी गए नहीं होंगे या तो इन स्टेयर से गई तो खुशी भी नहीं थी, वो ना डरी नहीं थी बिल्कुल भी, वो हमारे साथ ही एकदम से आ गई थी। जैसे पीहू तो काफ़ी बार उन स्टेयर्स को यूज़ कर चुकी है, मैं भी बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट खुशी ने फर्स्ट टाइम ही आई थिंक यूज़ की थी और वो बिल्कुल नहीं डरी, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। और हम यहाँ पर मॉल में आ गए हैं, ये देखिए हमारी छोटी मैडम कैसे बास्केट को लेके जा रही है, और जहाँ इसमें हमने एक या दो सामान रखा और उसके बाद ये बिल्कुल नहीं उठाती है इसको कि ये लो मेरे से नहीं खींच रही है, मेरे से नहीं खींच रही है, फिर दूसरी बास्केट ले आई थी कि इसमें डाल लो, और ये देखिए इसको दिख गया था कि हाँ अभी मम्मा रिकॉर्ड कर रही हैं, तो फटाफट से आगे भाग गई। और यहाँ पर हम देख रहे थे कर्टेंस, तो कर्टेंस कुछ अच्छे से नहीं लगे, मतलब पसंद ही नहीं आए यहाँ पर, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम जगाधरी मार्केट में जाएंगे वहाँ से ले लेंगे, हालांकि हम जा नहीं पाए थे जगाधरी मार्केट में क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, यमुनानगर का भी सामान हमारा छूट गया, जो छोटा मोटा सामान और रहता है ना मेकअप वगैरह का वो रह गया है, अभी हम नेक्स्ट डे भी जाएंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम किसी टाइम जाएंगे हम। और यहाँ पर हम देख रहे थे फिनाइल्स की बोतल वगैरह, फिनाइल्स इजी, और पर मैं देख रही थी नॉन स्टिक तवा क्योंकि मेरे पास एक तवा तो है वो गांव में है, मैं सोच रही थी यहाँ के लिए अलग ले लूँ ना लूँ, सोच रही थी अभी, फिर मैंने छोड़ ही दिया कि चलो मैं जगाधरी बाजार से ही ले लूँगी, बर्तन वाले की शॉप से ही, यहाँ का पता नहीं कैसे निकलेगा। लेकिन पहले मैंने यहाँ पर ना 50% ऑफ में फ्राई पैन लिया था, वो बहुत अच्छा निकला है मेरा यहाँ से, और मैंने तवा भी नॉन स्टिक जो यहीं से लिया था वो मेरा 20% ऑफ पे था, वो मेरा 900 का पड़ गया था, और आज यहाँ पर 40% ऑफ था तो वो 510 का पड़ रहा था, तो मैंने लेना ठीक नहीं समझा, मैं कहा चलो छोड़ ही देती हूँ। और हमारी शॉपिंग यहाँ पर हो चुकी थी, और ये कैमरा लिया हुआ था यहाँ पर खुशी ने, वो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं कहा चलो आज तुम वो बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, रिकॉर्ड करो। और ये जिठानी भी यहाँ पर कुछ कह रही थी कि तेरे पास है, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने लेना ही नहीं वो ज़रूरी समझा। Thank you.
यहाँ पर हम करवा रहे हैं बिलिंग, सारा सामान हमारा ले लिया था। हमारी ये देखिए शॉपिंग हुई थी अभी 3191 की, अभी भी ये टोटल बिल है हमारा 3796 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर बिल बना था। और ये यहाँ पर चेकिंग हो रही है सामान बाहर ले जाने से पहले के लिए। फिर हमने ये सारा सामान ना ले जाकर रख दिया था एक कार की डिग्गी में, और फिर वहाँ से हमने पकड़ा था ऑटो। हमारी कार खड़ी थी वहीं पर ही पेंटालून पार्किंग में ही, मतलब मॉल में ही हमने छोड़ दी थी कार, और उसके बाद हमने ले लिया था ऑटो। ऑटो में इतने दिनों के बाद बैठे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा हवा उसी में, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे हम ऑटो की राइड जाते हुए तो। लेकिन आते हुए हालत हो चुकी थी ख़राब, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं न्यू मार्केट में। मार्केट में, और यहाँ पर आके ना अपने पुराने दिन याद आते हैं। मतलब मैरिज से पहले मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पर आते थे, और थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना होता था हम दोनों आकर ले जाते थे। जैसे कॉलेज आते थे तो कभी कभी बीच में भी आ जाते थे कॉलेज टाइम में, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। और अब तो मतलब बहुत कम आना हो गया यहाँ पर, अब तो ये है कि अपनी फिक्स शॉप्स हो गई हैं, जहाँ वहाँ से गए और ले लिया। यहाँ पर तो बहुत ही कम आया जाता है, और यहाँ पर आके ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सामान रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है बहुत ज़्यादा। और संडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है, और आप भी देख सकते हो। यहाँ की मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है इसी वजह से, क्योंकि रश इतना था। ये देखिए छोटी सी गली है बीच में, लेकिन भीड़ इतनी होती है ना पैर रखने की जगह। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी बच चुके हैं शाम के 6, और अब हम घर जा रहे हैं। घर कहाँ से घर जाएंगे, शॉपिंग की है, खुद जाके दिखाते हैं क्या क्या खरीदा है।
हैं शाम के साथ और अभी सब लोग चले गए हैं घर वापस विलेज में। चाय हमने आके बस फटाफट से चाय बनाई और अपना सामान जो हमारा मिक्सअप था वो अलग अलग किया और उसके बाद वो चले गए और हम दोनों रह गए। पीहू का मन नहीं लग रहा है ना आज ना, मैं सुबह ना आपको हैप्पी चॉकलेट डे कहना भूल गई। हैप्पी चॉकलेट डे। आज हमने जो भी खाया पीहू ने उसको खाते टाइम हैप्पी चॉकलेट डे हैप्पी चॉकलेट डे हैप्पी चॉकलेट डे चॉकलेट से ही खाया। चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई, चॉकलेट वाले वेफर खाए। अभी डकार आ गई, चाय पी थी अभी अभी हमने ना आके। और हस्बैंड अभी आने वाले हैं घर से, वो वहाँ पर थे और अभी भी ना हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है और वही शॉपिंग तो रह ही जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा है। मैंने अपनी सैंडल लिए हैं, हस्बैंड के लिए टी शर्ट लेके आई हूँ और एक चीज़ और छोटी मोटी चीज़ें लेके आए हैं। मैं सैनिटाइजर लेके आई हूँ। थोड़ा सा सामान हमने बिग बाज़ार से लिया था, मतलब वही कि घर का सामान थोड़ा सा लिया था। और मैं आपको शॉपिंग अपने नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी क्योंकि आज तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी व्लॉग दिखाने की, मतलब व्लॉग में शॉपिंग दिखाने की। व्लॉग की तो बन गया जितना बनना था, हमें नहीं पता हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया है क्या क्या नहीं किया है। और आज सुबह से मैं किसी की वीडियो भी नहीं देख पाई हूँ, आज तो बस मैं लगी हुई हूँ काम में, शॉपिंग के, घूमने फिरने में थक गए। अब ना लेग्स पेन करेगी, रात को पक्का पेन किलर खानी पड़ेगी हमें। और हम ना सुबह निकले थे घर से, किस टाइम निकल गए थे पीहू, 10:30-11 के आसपास हम निकल चुके थे वहाँ से, नहीं 10:30-11 हम यहाँ थे, जगाधरी आ गए थे और फिर यहाँ से हम निकल गए थे। पहले बिग बाज़ार गए, बिग बाज़ार से फिर आगे न्यू मार्केट, न्यू मार्केट से मीना मार्केट, ऑन रोड भी धर्मवीर पर गए थे शू एम्पोरियम पर। और वहाँ पर ना शूज़ के बहुत रश था आज तो, वहाँ पर ना सबसे ज़्यादा रश हमें मिला धर्मवीर पर, इतना रश था ना। 35% ऑफ चल रही है वहाँ पर। और पहले हमने सिर्फ एक ही पेयर शूज़ ले लिए, सैंडल ले लिए शीतल के लिए। मैंने आपको कल सबकी फ़ोटो दिखाऊंगी, अभी तो वो अपना सामान लेके जा चुके हैं। मैंने उनको बोला है कि मतलब मेरे लिए भेज देना, मैं अपने सारे यूट्यूब फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं साथ में प्राइस भी बताऊँ तो प्लीज़ मुझे इसी वीडियो पर कमेंट करके बताना कि मैं हर आइटम का फिर मैं प्राइस भी बता दूंगी, और नहीं तो मैं ऐसे ही चीज़ें दिखा दूंगी हम किसके लिए क्या लाए हैं। पीहू की 2 कज़न्स थी हमारे साथ और एक इसकी ताई जी थी शीतल खुशी, जिनको मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है आप सबसे। और ना एंडिंग में जब हम बिग बाज़ार पेंटालून से नीचे उतर रहे थे बिग बाज़ार के लिए, ताई जी और ना शीतल दी ना ऊपर ही रह गई थी डर के, लगे वो फिर घूम के आई पीछे से, क्योंकि ना वो वाली स्टेयर्स थी जो रन नहीं करती एलिवेटर वाली, वो वाली स्टेयर्स थी वहाँ पर। और बस वो कभी गए नहीं ना उन सीढ़ियों पे, तो वो कहते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, खुद तो तुम भाग गए और हमें छोड़ गए पीछे, फिर वो उधर से ही आई थी घूम के। और पहले कह रही थी कि ये स्टेयर्स क्यों नहीं जल्दी चलनी चाहिए थी, ऐसे चढ़ते और हम ऊपर पहुँच जाते अब तक। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कैरी बैग्स, ये देखिए हटना पीछे जरा साइड, ये देखिए हमारा सामान कैसे रखा हुआ है सारा, नहीं दिख रहा वो थोड़ा सा तो दिख ही गया ना, बाकी अच्छे से मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉप किया। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। और ना अगर नेक्स्ट मंथ क्या इसी मंथ ना 24 को पीहू के कज़न की मैरिज है, 24 को मंडा है, 25 को बारात है, मतलब शादी जो है 25 को है। लेकिन ना 24 को मेरा पेपर है और इसके एग्जाम स्टार्ट होने हैं 19 से, और 19 को ही हालत है, मतलब 19 को ही हम गांव में चले जाएंगे और तभी से इसके एग्जाम हैं। बस जी इधर वहाँ शादी के फंक्शंस और इधर पीहू की एग्जाम्स, और जिस दिन मतलब मंडा है वहाँ पर खाना होता है, जैसे हमारे में लड़के की शादी में ना मंडा करते हैं, खाना वगैरह उसी दिन होता है, तो उस दिन पीहू का एग्ज़ाम है। और इसकी कज़न है जो शीतल प्लस टू में है, वो उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसी दिन स्टार्ट है उसका तो फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो ये दोनों सिस्टर्स नहीं ही होंगी। पर फिर भी ये बेचारी दोनों शॉपिंग करने गई थी हमारे साथ। नहीं लेकिन पापा मेरे को हाफ डे पे ले आएंगे, हाफ डे क्या 12 तक ही तो होते एग्ज़ाम। और तो आगे ना आप देखना हमारे व्लॉग्स, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे आपको ना आगे। और बस अभी एक हफ्ते का ही टाइम रह गया है और फिर मैं आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छे अच्छे विलेज गाँव की शादी के जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, हलद बान सारे आपको दिखाऊंगी मैं बहुत अच्छे से।
तो चलिए अभी हम निपटा लेते हैं अपना काम फटाफट से। सबसे पहले ये बताना मेरी न्यू जैकेट कैसे लगी। हाँ जी भाई, इसकी न्यू जैकेट जरूर बताना कि इसकी ये जैकेट कैसी लग रही है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का ना यहीं पर ही कर रही हूँ एंड, और मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग, और लॉन्ग ब्लॉग मुझे भी किसी के देखने पसंद नहीं है, और आई होप कि आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। और पीहू अपना थंब दिखा रही है और ये कह रही है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसमें पीहू है। और अगर आपको पीहू की जैकेट अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बाय।